नमस्कार, आप देख रहे हैं सासाटियो। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के शक्ति पीठ श्री छोटी पटन देवी में। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो काफी भव्य रूप भव्यता एक विशाल रूप से मंदिर का निर्माण हो रही है। अच्छी बात है, बहुत जल्द हो और निर्माण कार्य लगातार चल रही है। लेकिन यहाँ खास करके शक्ति पीठ जो है छोटी पटन देवी विवादों में आ गई है। इस विवाद का मूल वजह जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के पुजारी जो हैं आचार्य विवेक द्विवेदी जी हैं, पंडित अभिषेक द्विवेदी जी हैं, इनसे सवालात करेंगे क्या वजह है। खास करके जो धार्मिक अनुष्ठान है, मंदिर दूर दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये विवाद में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बाबा से भी बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय जो पूजन का जो सामग्री बेचने वाले हैं, चाहे वो फूल माला हो चाहे वो प्रसाद हो, और स्थानीय लोग से भी बात करेंगे विवाद का वजह क्या है। प्रसाद लेने के लिए लोग आते हैं, ये फिलहाल यहीं से जाता था, लेकिन अब जब से ये मंदिर बंद हो गया है दरवाजा, अब उनकी मर्जी है क्यों बंद हो गया, ये तो वही बता सकते, मनमानी है कि हम ही यहाँ के वो हैं। कुछ तो कारण होगा ना। अब कारण हुआ था ये कि ये लोग भी दुकान खोल लिए थे यहाँ पर ही, तो वह चढ़ा हुआ उतार के बेचते थे रखते थे, उसमें थोड़ा सा मतभेद हो गया था जिसके कारण से बंद कर दिए। अब ऐसा हो गया कि बोलते देखिए लिखा हुआ बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, तो इनके ये डोम है, ये डोमगन का प्रसाद ऐसे बोलते हैं कि डोम है, डोम से कन से प्रसाद नहीं चढ़ेगा, हर समय लड़ाई झगड़ा खींच के मंदिर में ले जाना। अत्याचार अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा नैतिक दायित्व है, वही मैं करता हूँ। आपने बहुत लोगों पर केस किए जी, बड़े बड़े अधिकारी लोग पर? नहीं, मैंने अनावश्यक रूप से कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं किया। अगर यह आरोप है तो गलत आरोप है। जितनी भी मुकदमा आज तक दायर हुई वह उन्हीं लोगों के विरुद्ध हुआ जिन्होंने असंवैधानिक रूप से इस मंदिर के ऊपर या इस मंदिर के संपत्ति के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि डाली, और सारे उसकी सूची भी मैं केस का सूची भी दिखा दूंगा। विगत कुछ दिनों पहले अभी हमने एक चोर दरवाजा को बंद करवाया, जो हमारे बगल के पड़ोसी हैं उन्होंने अपना एक दरवाजा खोल के मंदिर के परिसर को आने जाने के लिए उपयोग करते थे, और उसके साथ हमारे जो नौकर रहे हमारे यहाँ उसको हमारा हिस्सेदार बनाकर उसको हिस्सा मंगवाया गया कि हाँ भाई अब आप भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा लीजिए। तो एक तरफ तो लोग दुष्प्रचार करते हैं कि हमारी सरकारी संपत्ति है, और जब सरकारी संपत्ति है तो उसमें हिस्सेदारी कैसी, आप हमसे हिस्सा मांगते हैं, और जब हम इसको जो है टुकड़ा नहीं होने देते हैं, इसको बिकने नहीं देते हैं, तो आप हमसे फिर मुकदमेबाजी करते हैं, तो जवाब तो देना होगा कहीं ना कहीं। क्या वजह है कि ये लगातार विवादों में घिरा हुआ है? आप फेसबुक पर देखिए, इंटरनेट मीडिया पर देखिए, और खास करके इस विवाद में आप मुख्य भूमिका मुख्य पुजारी के रूप में है, आप इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए लड्डू जी, ऐसा है कि अत्याचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और अनैतिकता के विरुद्ध यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं एक दोष माना जाता है। मौनम स्वीकार लक्षणम, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि यदि आप अत्याचार के विरुद्ध, अनाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मौन धारण करते हैं तो यह स्वीकार का लक्षण है, और जब आवाज़ उठती है तो उसका विरोध करना यह नैतिक दायित्व है हमारा, एक धर्माचार्य के नाते भी, एक समाज सेवी के नाते भी, एक बाबा के नाते भी, एक पुजारी के नाते भी। एक सवाल है बाबा कि आप पर यह भी आरोप है कि ऐसे भी देखा गया जहाँ तक हमारी नज़र में कि देश के ऐसा पहला मंदिर छोटी पटन देवी है कि बाहर का प्रसाद या बाहर का फूल माला यहाँ नहीं चढ़ेगा, क्या वजह है? बिल्कुल गलत और बिल्कुल निराधार। अभी आप रास्ते में आ रहे थे तो आपके सामने ही कई भक्तों ने पूर्व से ही प्रसाद लेके, बाहर से ही प्रसाद लेके आए और चढ़ाए और दर्शन किए। उनको कोई कहने गया कि आप प्रसाद कहाँ से लाए, कैसे लाए, ये सब गलत बात है, निराधार बात है और दुष्प्रचार है। इसी का विरोध करने पर जो है लोग दुखी होते हैं, हजारों की संख्या में। बाबा जो है वो कोई अपने मनमानी कर रहे हैं? नहीं, अपने मनमानी नहीं, जो शास्त्र सम्मत है।
जब सभी सुविधाओं से युक्त आपका मुख्य द्वार खुला है, भक्त लोग रोज आ रहे हैं, रोज सैकड़ों भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी में नवरात्रि की तैयारी भी हो रही है, पेयजल की सुविधा है, जूता चप्पल रखने की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा है, भक्तों को बैठने के लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था हमने कर रखी है, सारी सुविधा है, तो फिर चोर दरवाजे को खुलवाने का बेचैनी क्यों है, किसे है? लेकिन वो चोर दरवाजे सदियों से खुला हुआ रहता है, सदियों से तो सब दरवाजा है, ये सुविधा अनुसार उसका उपयोग करते रहे हैं, लेकिन आज जब माता जी उस दरवाजे के ठीक बगल में जो पिंडी है, अभी हम ले चलेंगे आपको दर्शन कराएंगे, आप उसका सूक्ष्म अवलोकन कीजिए, ठीक है। हर समय जहां देवता रहते हैं, देव विग्रह के ठीक दाहिने तरफ माता जी का या किसी देवी देवता का शयन स्थल होता है, ठीक है। माता जी का अखंड दीप, शयन स्थल, आचार्य पीठ जो नित्य माता का पाठ होता है, पूजा होता है, उसकी सारी व्यवस्था, माता जी का वस्त्र है, आभूषण है जो नैतिक उपयोग, जो नित्य उपयोग में पूजा में लाया जाता है, ये सभी सामग्री उनके पास सुरक्षित रखे जाते हैं। और उस स्थिति में यदि उस दरवाजे को हम लोग खोलते हैं तो जो भी मंदिर में बाहर से आएंगे दर्शन के लिए, सीधे माता जी के गर्भगृह के पास आएंगे। पहले तो माता जी इस मंडप में थी तो थोड़ी दूरी थी, लोग वहाँ जूता चप्पल खोल के आते थे, लेकिन अब जबकि माता जी वहीं ठीक बगल में शक्तिपीठ मंडप के बगल में विराजमान है, तो उस स्थिति में उसको खोले रखना पवित्रता के दृष्टि से, मर्यादा के दृष्टि से और सुरक्षा के दृष्टि से भी अनुचित होगा। तो माता जी उस स्थान पर चली जाएगी तो क्या फिर दरवाजा खुल जाएगा? फिर खुल जाएगा, जब माता जी अपने जगह पर विराजमान हो जाएंगी, जब निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो जैसे था फिर वैसे ही वैकल्पिक द्वार भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, खुला है मुख्य द्वार तो खुला है ही, लेकिन इसके विरुद्ध इस प्रकार का दुष्प्रचार करना सबसे बड़ा तो मैंने आश्चर्यजनक लगता है कि देखिए हमारी बुराई लोग करें लेकिन माता जी के स्थान की परंपरा को तोड़ना, उनके पवित्रता के साथ खेलना, ये कितना बड़ा अनैतिक काम है, ये आप स्वयं भी सोचें। जो नए नए पदाधिकारी आते हैं उनको भी लोग बड़गला के पीछे लगा देते हैं, जबकि सारे तथ्य माननीय SDO जी के यहाँ से हमारे पास जो पत्र आया, मैंने स्पष्टतः हर बिंदु पर उनके पत्र का जवाब दिया और संवैधानिक रूप से जवाब दिया, कोई अनुचित नहीं, कोई बड़गलाने वाली बात नहीं, हमने दिखा दिया कि यथास्थिति आप देख लें। तो क्या माता जी को हम ले जाके सड़क पर स्थापित कर दें तब लोग ज्यादा खुश हो जाएंगे क्या? तब तो खुशी मिलेगी कि माता जी एकदम गलियों में दरवाजे पर रखे हुए हैं, और लोग आते हैं जाते हैं तो माता जी का दर्शन कर लेते हैं, वहीं से स्थान की कोई मर्यादा नहीं, जैसे दुर्गा पूजा में जगह जगह चौक चौराहों पर मूर्तियां स्थापित की जाती है, वैसे ही शक्तिपीठ की परंपरा चलेगी अब इनके हिसाब से, स्थान की मर्यादा के हिसाब से नहीं चलेगी, अब लोक मर्यादा के हिसाब से चलेगी, जैसा लोग चाहेंगे, कोई कहेंगे कि हाँ भाई हम उनको छू दें, कोई कहेंगे कि हम उस पर चढ़ जाएं, तो वही होगा। तो ऐसे अनीति का, ऐसे असंवैधानिक आचरण का हम विरोध करेंगे पूरी मजबूती के साथ। श्री पटन देवी जी गौमानव सेवा संस्थान के जितने भी समाज सेवी हैं सब इस बात का खंडन करेंगे, गलत का हमेशा विरोध होगा, विरोध करते हैं। ये मंदिर का मुख्य दरवाजा था, ये अपने मनमानी सिर्फ इनका यहाँ चलता है और कुछ नहीं है। फूल माला वाले को भी इन्होंने जो है दुकान बंद करवा दिया है कि माली का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, जो भी चढ़ेगा हमारा प्रसाद बिकेगा। अतः प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस गेट को खुलवाया जाए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको जो है यहाँ पे इसको न्याय में दिया जाए।